हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। टुडे डेट इज 26 मई 2020, डे ट्यूसडे। टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.6। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इवेलुएट करना है स्टूडेंट। अब तक हमने मल्टीप्लाई किया था स्टूडेंट, एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था। अब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट इंटीजर्स में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो हियर इज द पार्ट ए। मैंने आपको कुछ पार्ट्स आपके क्वेश्चन नंबर 1 के समझाए हुए हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। -30 / 10। -30 को डिवाइड करना है 10 से। हियर इज द सॉल्यूशन। -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट सिंपली हम 10 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 3 = 30, 3 क्वेश्चेंट आएगा, 3 टाइम पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट एज यू सी, जैसे हम मल्टीप्लाई में करते थे, हमारा माइनस का 1 ही निशान है, तो हम इसको माइनस का ही लगा देंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 / -2 + 1। -2 + 1 से आपको 13 को डिवाइड करना है स्टूडेंट। तो पहले हम -2 + 1 यानी कि अपनी लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो लार्ज ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हम निशान हम सही कर लेते हैं स्टूडेंट। -2 + 1 मैंने ब्रैकेट से निकाल दिया है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा आपका -1। अब हम 13 को डिवाइड कर देंगे -1 से, तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, -13 ही आएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज -36 / 12 एंड फिर अगेन डिवाइड बाय 3। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही हम लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मार्क्स के रूप में हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो -36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 3 - 3, क्योंकि 12 3 = 36, माइनस का है तो माइनस का आएगा। देन अगेन आई विल डिवाइड इट 3, हम दोबारा डिवाइड कर देंगे 3 से, क्योंकि ऐसा ही हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो 3 3 = 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -1। हियर इज द वन मोर पार्ट, -6 + 5। ये एक ब्रैकेट में है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं, डिवाइड -2 + 1। -6 + 5 को -2 + 1 से हमें डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले वही हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे। तो -6 + 5 को सॉल्व किया स्टूडेंट, हमारा -1 आ रहा है। एंड -2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारा तब भी -1 आएगा। तो -1 को -1 से करेंगे तो स्टूडेंट आप जैसा देख पा रहे हैं 2 माइनस है, 1 माइनस से हमारा दूसरा माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 से 1 डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आंसर आएगा, 1 ही आंसर आएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके आपके क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ और पार्ट्स भी दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, जो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बी प्लस बी ए डिवाइड सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है स्टूडेंट कि ए, अगर हम ए से डिवाइड कर दें बी प्लस सी को, तो वो हमारे ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ ए बी सी की वैल्यू दी है, देखिए ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू 2। स्टूडेंट हमने वही चीज़ यहाँ दोबारा राइट डाउन की है। तो वेयर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो ए डिवाइड बी प्लस सी, आप जैसा देख पा रहे हैं 12 - -4/2, तो ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। -4/2 आपका क्या रह जाएगा, -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस की डिजिट बड़ी है, दैट्स वाई माइनस का निशान आएगा। -2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -6। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले ए डिवाइड बाय बी, ए को डिवाइड करेंगे बी से, तो ए हमारा 12 है डिवाइड बाय -4, जो कि हमारी बी की वैल्यू है। ए को बी से हमने डिवाइड किया तो आपका आएगा -3, 12 / -4 तो -3। इस तरह से ए डिवाइड बाय सी यानी 12 / 2 इज इक्वल टू 6। अब दोनों को ऐड करना स्टूडेंट, -3 + 6, तो माइनस प्लस जैसे हमने आपको बताया था आपका माइनस होता है, निशान आपका डिपेंड होता है डिजिट पर, किसकी डिजिट बड़ी है, माइनस की या प्लस की। तो प्लस की डिजिट बड़ी है स्टूडेंट, माइनस होगा तो आपका क्या आ जाएगा, 3। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड का -6 आ रहा है, राइट हैंड साइड का आपका +3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके हम इसे प्रूव कर चुके हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है स्टूडेंट। इसी तरह से आपका एक और पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, जो आपको इसी पार्ट की विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट आपको इसको सॉल्व करना है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने स्टूडेंट, 369 डिवाइड व्हाट, 369 को किससे डिवाइड करें कि हमारा 369 ही आ जाए। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको 1 से डिवाइड बाई 1 कर दूं तो मेरा 369 ही आएगा। इसी तरह से 75, -75 को किससे डिवाइड करें कि हमारा -1 आंसर आ जाए। तो स्टूडेंट अगर -75 को 75 से प्लस 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -1।
सी पार्ट इज माइनस 206 को किससे डिवाइड करें कि हमारा प्लस का 1 आए। तो स्टूडेंट माइनस 206 को यदि डिवाइड करें हम माइनस 206 से ही तो हमारा आंसर प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ को आपको कुछ और पार्ट्स भी दिए गए हैं जिन्हें आपको अपने आप सॉल्व करने हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स। 5 पेयर लिखने स्टूडेंट इंटीजर ए और बी लगाकर, मतलब ए एक हो, ए होना चाहिए, दूसरी वैल्यू हमारी बी की होनी चाहिए, सच दैट ए प्लस बी, ए डिवाइड बाय बी, यदि ए को बी से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आए माइनस 3। सच पेयर इज 6 माइनस 2, जैसे कि हमने एक पेयर लिया 6 माइनस 2, बिकॉज 6 प्लस माइनस 2 इज सॉरी 6 डिवाइड माइनस 2, अगर 6 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा माइनस 3। इस तरह से आपको कुछ और पेयर्स भी लेने हैं। तो देखिए स्टूडेंट हियर इज 5 मोर पेयर्स। फर्स्ट वन इज हमने लिए हैं 5 पेयर, देखिए माइनस 6 अब वन में माइनस 6 कर दिया है और प्लस का 2, यानी हमें जब भी इंटीजर्स लेने होंगे स्टूडेंट तो वन वैल्यू हमारी प्लस की होनी चाहिए और सेकंड वैल्यू हमारी माइनस की होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट हमारे यहाँ पहले प्लस का 6 था, माइनस का 2 था, अब हमने माइनस का 6 कर दिया है प्लस का 2, तो डिवाइड बाई हमने 2 किया क्या आया माइनस 3। इसी तरह से 12 डिवाइड बाई 4, हमने 12 को 4 से डिवाइड कर दिया है, अब स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं हमने माइनस का 4 लिया है तो डिवाइड बाई माइनस 3। इस तरह से देखिए स्टूडेंट हमने इसके 5 एग्जांपल बना दिए हैं। आप चाहें तो और भी कुछ एग्जांपल इनके ले सकते हैं जो आपको सूटेबल लगे इसमें। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, द टेम्परेचर एट नून, दोपहर में टेम्परेचर है 10 डिग्री अबव जीरो, जीरो से 10 डिग्री ज़्यादा है। इफ़ द डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर, यदि यह टेम्परेचर 2 डिग्री पर आवर की दर से हमारा घटता है अनटिल मिडनाइट आधी रात तक, एट वॉट टाइम वुड वी टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो, तो हमारा किस टाइम पे वो जो टेम्परेचर है वो बिलो 8 डिग्री हो जाएगा यानी माइनस 8 डिग्री हो जाएगा, वॉट वुड वी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और मिडनाइट में टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट ये है हमारा ज़ीरो, यहाँ से राइजिंग यानी आगे की तरफ चलें अबॉव करें तो हमारा यहाँ आ जाता है माइनस 10, टू क्योंकि हमारा 2 के डिफरेंस से चल रहा है स्टूडेंट। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी 0 से 5 आवर बाद हमारा जो भी अब टाइम हो रहा है उससे 5 घंटे बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री है। अब इन्होंने कहा है कि हमारा जो टेम्परेचर है कब वो माइनस 8 डिग्री होगा स्टूडेंट, 2 आवर की दर से हम चलें तो 0 से बोला था इन्होंने बिलो ज़ीरो, 0 से 8 डिग्री बिलो, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में। तो स्टूडेंट ए 1 डिग्री सेल्सियस होगा हमारे आधे घंटे में, तो टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस कितने आवर में होगा स्टूडेंट, क्योंकि देखिए यहाँ से चलते हैं स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2 जो 18 यानी 18 डिग्री में 0 से माइनस प्लस 10 से हमें प्लस 10 से स्टूडेंट माइनस 8 की तरफ जाना है, माइनस करना है हमें प्लस 10 में से माइनस 8 को, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू दैट्स मीन हमारे 18 डिग्री सेल्सियस किस टाइम पे होगा, मतलब 18 डिग्री हमें और 18 डिग्री तक जाना होगा प्लस 10 से माइनस 8 के लिए। तो 18 डिग्री को हम वन आधे आवर से हम क्या कर रहे हैं हाफ एन आवर क्योंकि ले रहा है 1 डिग्री में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दैट्स बीन 9 आवर, तो 9 घंटे लेगा स्टूडेंट वो हमारे जो टेम्परेचर है माइनस 8 डिग्री तक पहुंचने में। नून में यानी 12 बज रहे हैं तो फिर के 12 में अगर हम 9 आवर को ऐड करें दैट्स मीन 21 आवर हो जाते हैं, 21 आवर का मतलब होता है रात के 9 बज रहे हैं स्टूडेंट, तो 9 बजे हमारा टेम्परेचर क्या होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो 0 डिग्री से, जो कि हमारे 0 डिग्री से ब्लू है माइनस 8 डिग्री होगा। कहने का मीन यहाँ है कि हमारा वो टेम्परेचर क्या होगा माइनस 8 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हें क्लास टेस्ट है +3 marks और एवरी करेक्ट आंसर, +3 मिले हैं हर एक सही आंसर के और -2 मिले हैं हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपको समझाया था, राधिका स्क्वायर 20 marks, अब यहाँ आपको टोटल मार्क्स बता दिए हैं कि राधिका ने कितने स्कोर किए हैं। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, यदि उसने 12 सही आंसर दिए हैं तो हाउ मैनी क्वेश्चन सी अटैम्प्ट इनकरेक्ट, तो कितने उसे इनकरेक्ट किए हैं, तो मार्क्स इवन 1 करेक्ट पे मिल रहे हैं स्टूडेंट आपको 3, तो 12 करेक्ट पे तीन लेंगे 36, राधिका को मिले हैं 20 marks, तो इसका मतलब राधिका ने कितने इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे 20 - 36 माइनस 16 नंबर उसने लूज़ करे हैं अपने
इनकरेक्ट आंसर देने में, और एक इनकरेक्ट आंसर को देने में उस माइनस टू नंबर, हमारे टू नंबर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो एक इनकरेक्ट के लिए माइनस टू मिल रहे हैं, तो हमारे माइनस 16 यानी कितने क्वेश्चन हम गलत दे रहे हैं, जो हमारे 16 नंबर 16 मार्क्स कट रहे हैं। तो 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेरे आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है 8। इसका मतलब राधिका ने 8 गलत आंसर हमारे अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट पार्ट इज मोहिनी स्कोर माइनस 5 मार्क्स इन द टेस्ट। मोहिनी को माइनस 5 नंबर मिले टेस्ट में। शी हैज़ 7 करेक्ट आंसर, उसने 7 करेक्ट दिए हैं, तो उसने इनकरेक्ट कितने दिए हमें ये बताना है। तो मोहिनी ने करेक्ट आंसर के लिए मिले हैं उसे 21 नंबर, उसे माइनस 5 स्कोर किए हैं, तो इसका मतलब हमारे माइनस 5 हमारे माइनस यानी कि हम माइनस कर देंगे 21 में से, तो हमारे माइनस 26 नंबर, यानी कि मोहिनी ने हमारे 26 नंबर वो भी माइनस में जाकर स्कोर, मतलब उसने इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया है कि उसे माइनस 26 मिले हैं। तो 2 से वही हम इनकरेक्ट के लिए माइनस 2 मिला, माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, देन 13 क्वेश्चन मोहिनी ने, यानी कि अगर उसने 7 आंसर सही दिए तो उसने 13 आंसर हमारे क्या दिए, गलत दिए हैं, जिसके उसके मार्क्स हैं वो माइनस में पहुंच गए हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट एक एनवलप है डिसेंडिंग इनटू द 9 शेफ्ट एट द रेट 6 मीटर सॉरी ए इवेल्युएटर डिसेंड्स इनटू ए 9 शेफ्ट एट द रेट 6 मीटर मिनट इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 अबव द ग्राउंड लेवल हाउ विल इट टेक द टू रीच -350 मीटर। तो स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शिफ्ट इज 10 मीटर अबव, अभी वो ग्राउंड से 10 मीटर क्या है ऊपर की तरफ है, बट इट मूव्स ऑफ अपोजिट, लेकिन वो किसकी तरफ जा रहा है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया आपका डायरेक्शन, जो उस डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान इस डायरेक्शन में जाने की जगह इस डायरेक्शन में चला जाए तो दैट्स मीन वो उसकी क्या हो गई है अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ द ग्राउंड लेवल। तो स्टूडेंट सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 मीटर अबव है, अभी तक वो 10 मीटर ऊपर था, लेकिन उन्होंने क्या है वो कहाँ पहुँच गया है, वो -350 डिग्री पहुँच गया है, माइनस में पहुँच गया है वो, तो दैट्स मीन अब वो कहाँ है, हमारा टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है 10 मीटर, 10 में से माइनस कर देंगे इसके 350, तो इसका मतलब वो हमारे 360 मीटर पर है इस टाइम, 360 मीटर वो चल चुका है, जा चुका है। नाउ टाइम टेकन, टाइम कितना ले रहा है, सिक्स मीटर जाने में वो पर मिनट के हिसाब से ले रहा है, यानी 6 मीटर की दूरी में वो 1 मिनट का टाइम ले रहा है, दैट्स मीन टाइम कितना हो रहा है 1/6, यानी 1 मिनट का 1 मीटर का हमारा छठवां हिस्सा। तो देयर फॉर द टाइम टेकन, टाइम कितना ले रहा है 1/6 मल्टीप्लाई 360, इसका मतलब 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, इसका मतलब 600 वो 350 -350 ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ अगर वो जा रहा है और माइनस में वो भी, यानी नीचे की तरफ अगर वो 350 मीटर जाता है तो वो अभी इस टाइम धरती के 10 मीटर ऊपर है, तो वो नीचे जाने में हमारा 1 घंटे का समय लेगा, यानी 60 मिनट्स, 1 आवर का मतलब हो रहा है स्टूडेंट 60 मिनट का टाइम लेगा। तो हेयर इज़ द योर एक्सरसाइज 1.4 इज़ कम्प्लीटेड नाउ स्टूडेंट। इसी के साथ आपकी जो यूनिट है यूनिट फर्स्ट वो भी कम्प्लीट हो चुकी है स्टूडेंट। स्टे होम एंड स्टे सेफ़।